हेलो एवरीवन, मेरा नाम केशव कल्याणी है और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद केशव कल्याणी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख भी लिया होगा, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा एसएससी कौन कौन से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है। जब भी बच्चा एसएससी के बारे में सोचता है, तैयारी करने के लिए माइंड सेटअप करता है, सो उसको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि कौन कौन सा एग्जामिनेशन एसएससी कंडक्ट करवाता है, कितने टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, कितना से कितना एज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, क्या जॉब डिटेल्स है, कौन कौन सा जॉब ऑफर होता है, कौन कौन सा पोस्ट हासिल होता है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कितने टायर्स होते हैं, क्या आप लोग का लेवल रहता है एग्जामिनेशन का, जिससे आप लोग अपने हिसाब से प्रिपरेशन टेकअप कर सकते हो कि हाँ आप लोग माइंडसेट अपना बैठा सको कि हमको कौन सा एग्जामिनेशन टेकअप करना है एसएससी में, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कितने टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं। सबसे पहला एग्जाम एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, सीएचएसएल जिसको बोलते हैं, एक होता है जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन, एक होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एक होता है जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल का एग्जाम, एक होता है एमटीएस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन होता है, एक आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन होता है, एक होता है आपका सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और एक आपका एग्जामिनेशन होता है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल से, जिसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। सबसे पहला बात, आप लोग अप्लाई कर सकते हो जो भी ग्रेजुएशन पास आउट हो, जो भी ग्रेजुएट कर चुके हो आप लोग, बीकॉम आप लोग का क्लियर है, या जो भी आप लोग का ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन है, अगर आप लोग उसको पास कर चुके हो तो आप लोग इस एग्जामिनेशन को टेकअप कर सकते हो, ठीक है। बट जो भी एस्पायरेंट्स जो सीजीएल के लिए अपना माइंडसेट फिक्स करे कि हाँ मेरे को सीजीएल का एग्जाम देना है आगे जाके, उसका एज 18 साल से कम नहीं हो सकता है और मैक्स टू मैक्स 32 इयर्स का एज हो सकता है, ठीक है। अब एज ऑन अगस्त 1 2019 दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एज ऑफ रेकनिंग, मतलब आप किस एज में हो। सपोज अभी अगस्त 1 2020 तक जब से आपका डेट ऑफ बर्थ था अब तक अगर कंसिडर कर रहा है एज ऑन अगस्त 1 2020, तो इस तारीख तक आपका क्या एज है, क्योंकि अलग अलग जो एग्जामिनेशन है, अलग अलग जो सीजीएल के अंदर भी अलग अलग पोस्ट होता है, वेरियस पोस्ट होता है, उसके लिए आपका अलग अलग एज फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि लोअर और अपर लिमिट जो एज का दिया हुआ है 18 साल मिनिमम और मैक्स टू मैक्स 32 साल, मतलब 32 साल के बाद, मतलब जो है जनरल कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल से 32 साल तक वो लोग जो है अपने अगर एज में है तो वो लोग एसएससी सीजीएल का तैयारी कर सकते हैं। वैरीज फॉर एवरी पोस्ट, हर एक पोस्ट के लिए वैरी करता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी कंडक्टिंग सीजीएल एग्जामिनेशन इन 4 स्टेजेस, 4 स्टेज होता है, टायर 1 टायर 2 टायर 3 और टायर 4 एग्जाम, 4 स्टेज होता है। टायर 1 और टायर 2 एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। टायर 3 जो होता है वो पेन और पेपर बेस्ड होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है एग्जामिनेशन, जिसमें एसे लेटर ये सब आता है, ठीक है। और टायर 4 जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड उसके बाद आपको पोस्ट मिल जाता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स अवेल्ड बाय यू, कितना कट ऑफ था पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप उस क्राइटेरिया को, उस बेंचमार्क को आप टच कर चुके हो तो। कौन कौन सा पोस्ट होता है, सपोज बहुत सारा पोस्ट होता है ऐसे तो, पर कुछ कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट का बात करते हैं हम लोग। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आप लोगों ने सुना होगा सीजीएल जो भी तैयारी करते हैं, जो भी एस्पायरेंट रहते हैं वो लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक उनका ड्रीम रहता है कि हाँ मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट हासिल करना है। दूसरा, इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर का भी पोस्ट होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर का भी बहुत जिनका ड्रीम रहता है, वर्दी मिलेगा प्रॉपर बकायदा भारत सरकार से,
तो बहुत जन का वो भी एस्पिरेशन रहता है कि हम एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट हासिल कर सके। एक्सटर्नल अफेयर असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये कुछ पोस्ट होते हैं एसएससी सीजीएल के अंदर जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। जो भी तैयारी करता है वो इन सारे पोस्ट में से कुछ पोस्ट को एम करता है। ठीक है, अब और भी देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डिपार्टमेंट क्या मिलेगा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी। पोस्ट कैसा है, ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है ये। क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, नीड्स टू असिस्ट ऑडिट इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नीड्स टू ट्रेवल ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन, ऑडिट असिस्ट करेगा। और दूसरा क्या है, असिस्टेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर, वही इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी, ग्रुप बी का आपका गैजेटेड पोस्ट है। क्या वर्क, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, डेटा एंट्री, प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजैक्शन, असिस्टेंट विद ऑडिट और फैक्ट चेकिंग। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, क्या डिपार्टमेंट मिलेगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, ग्रुप बी का पोस्ट है। ठीक है, और उसके बाद डेस्क जॉब रहेगा, और लोवेस्ट पोस्ट है इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, फिर उसके बाद असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप बी का। डिफरेंट क्लेरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जॉब प्रोफाइल है आपका, कंपाइलिंग फाइल्स, रिपोर्ट्स, कीपिंग ट्रैक्स ऑफ ऑनगोइंग केसेस एटसेट्रा। फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे, ग्रुप सी का आपका ये पोस्ट है। ठीक है, क्या करोगे, क्या जॉब प्रोफाइल है, असेसिंग इनकम टैक्स पेबल बाय पीपल और कंपनीज, मैनेजिंग TDS एंड रिफंड क्लेम। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसका डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी का पोस्ट है। क्या चेक करोगे, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इन्वेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, कोई चोरी वोरी हो रहा है, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग, असिस्टिंग रेड टीम्स। ठीक है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, क्या डिपार्टमेंट रहेगा, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ग्रुप बी का आपका ये है पोस्ट। प्रिवेंटिंग फॉर्जरी एंड मनी लॉन्ड्रिंग, सब इंस्पेक्टर का रहता है, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ग्रुप बी का पोस्ट है। मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गैदर इंफॉर्मेशन एंड मेक इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स, ये सब का जो रहता है डिपार्टमेंट, ग्रुप बी का आपका पोस्ट है। इलीगल मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ OPM ड्रग्स, एक तरीके का जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ग्रुप बी का पोस्ट है। क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, असिस्टिंग द स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डेटा एंट्री एंड टैब्यूलेशन, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू। क्या डिपार्टमेंट मिलेगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ग्रुप बी का पोस्ट है। ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयरिंग सर्वे रिपोर्ट्स, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग एग्जिस्टिंग डेटा। एक है ऑडिटर का पोस्ट, ऑफिसेस अंडर CAG, CGDA, ग्रुप सी का पोस्ट है। ऑडिट एक्सपेंस डिटेल्स ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट्स। उसके बाद अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स का आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, ग्रुप सी का पोस्ट है। पासिंग ऑफ वेरियस बिल्स, सैलरी अलाउंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, पेंशन रिलेटेड इश्यूज। उसके बाद क्या आता है सीजीएल का, मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं क्या क्या पोस्ट है। टैक्स असिस्टेंट अपर डिवीजन ऑफ क्लर्क, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अपर डिवीजन ऑफ क्लर्क, ये डिपार्टमेंट आपको मिल रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, मिनिस्ट्रीज अदर देन CSS, CSCS। उसके बाद ग्रुप सी, क्लेरिकल लेवल पोस्ट है, एम्प्लॉइज टू मेंटेन फाइल्स एंड डेटा एंट्री। और उसके बाद आप लोग ये सब देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका CHSL का एग्जामिनेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रिक्वायर्ड है। क्लास 12 बेस्ड एग्जामिनेशन है, क्लास 12 आपको पास होना चाहिए, और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड। एक वेल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से क्लास 12 आप लोग अगर पास कर रहे हो, कर दिए हो, CHSL के लिए आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, क्या क्या आप लोग का पोस्ट है, LDC, JSA, क्या क्लास 12 का ग्रेजुएट हो, क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। ठीक है, PA, SA, क्लास 12
आप लोग पास आउट होने चाहिए, डीईओ, ये सब अलग अलग पोस्ट है। क्लास 12 पास आउट जनरली एलडीसी, डीईओ, ये सब पोस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको गवर्नमेंट एक एग्जाम क्रैक करना है क्लास 12 पास आउट को, तो एलडीसी, डीईओ, ये सब आपके पास स्कोप रहता है। या डीईओ इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, क्लास 12 पास आउट, ये डीईओ के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, इन कंट्रोलर, डीईओ इन सीएजी ऑफिस, क्या होना पड़ेगा आपको, क्लास 12 पास आउट तो होना ही पड़ेगा, लेकिन साइंस स्ट्रीम से विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब साइंस स्ट्रीम्स आप में होना चाहिए आपका क्लास 12 पास आउट, और मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आपको डीईओ इन सीएजी चाहिए तो। नॉर्मल डीईओ है तो क्लास 12 पास आउट, मतलब सीएजी के ऑफिस में आपको डीईओ का नहीं चाहिए तो पोस्ट। अच्छा, क्या एलिजिबिलिटी है, तीन टायर होता है, ठीक है, टायर वन मल्टीपल चॉइस पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टायर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और टायर थ्री जो आपका होता है वो स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एप्लीकेबल टू फ्यू सिलेक्टेड पोस्ट, ठीक है, तीन टायर होते हैं इसमें भी। अब आते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर पे। एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जेई, कैंडिडेट्स अप टू 32 इयर्स कैन अप्लाई फॉर द जेई एग्जामिनेशन, 32 साल तक के एज के अगर कोई है तो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन आप लोग टेकअप कर सकते हो, ठीक है। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग का आपको डिग्री चाहिएगा, और डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए क्योंकि एग्जाम आपका जूनियर इंजीनियर का ही है। क्या क्या पोस्ट होता है, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दिया, सेंट्रल वाटर कमीशन, सीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, और एज लिमिट भी बता दिया है आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या एज बार है, कितना लास्ट आपका एज फैक्टर बता दिया 32 साल तक का। अब क्या क्या आपका स्टेजेस रहता है, कौन कौन सा एग्जामिनेशन इसमें होता है, इसमें भी तीन टायर होता है, टायर वन, टायर टू, टायर थ्री। टायर वन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 2 घंटा का, टायर टू आपका रिटन एग्जामिनेशन 2 घंटा का, उसके बाद डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछता है लोग, हु इज एलिजिबल फॉर एसएससी जेई, कोई भी इंडियन सिटीजन जिसका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा डिग्री है इंजीनियरिंग में, एज लिमिट है 18 से 32 साल, वो जेई के लिए अप्लाई कर सकता है। इज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल फॉर जेई, नो, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर जेई एग्जामिनेशन। हाउ कैन आई क्रैक जेई एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन के लिए पहले एलिजिबल हो जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, प्रिपेयर करो अच्छे से, तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, सिली क्वेश्चन था ये तो। व्हाट इज एसएससी जेई जॉब, एसएससी जेई एग्जाम एनुअली ये कंडक्ट कराता है टू रिक्रूट जूनियर इंजीनियर्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर इंजीनियर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर सके उसके लिए एग्जाम आपका कंडक्ट होता है। चलिए फिर उसके बाद आते हैं एसएससी सीपीओ में, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट कराता है टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, एसआई इन दिल्ली पुलिस अगर आपको चाहिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ, ठीक है। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई इन सीआईएसएफ, ठीक है। सो इन सब के लिए आपका सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, अगर आपको सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस चाहिए या एसआई इन सीएपीएफ चाहिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई इन सीआईएसएफ, ठीक है। अब क्या एज लिमिट है, एज लिमिट है 20 से 25 साल के बीच का एज होगा तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ 5 years इज प्रोवाइडेड टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स एंड 3 years टू ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज। 5 साल का आपका जो है एज लिमिट में रिलैक्सेशन रहेगा, मतलब 20 से 30 साल तक एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली सर्टिफिकेट्स प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 3 साल मतलब 20 से 28 साल तक, 25 के 3 साल के बाद क्या होता है, 28 साल तक ओबीसी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज को
मौका मिलेगा, इतना एज रिलैक्सेशन है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट SSC SI एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तीन फेज होते हैं जो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको पोस्ट चाहिए दिल्ली पुलिस में, CAPF में या CISF में, क्या होता है, पेपर वन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है, पेपर टू क्या होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, वाइल PET PST टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एंड्योरेंस मेडिकल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ कैंडिडेट्स। PET PST टेस्ट होता है जो आपका मेडिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करेगा, क्योंकि डेफिनेट सब आता है, पुलिस में नौकरी लेने जा रहे हो, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, चाहे वो CAPF हो चाहे SI इन दिल्ली पुलिस हो, तो आपको फिजिकल में तो अच्छा होना ही पड़ेगा। कौन कौन सा टायर होता है, ऑब्जेक्टिव टायर वन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। PET PST होता है जिसमें आपका रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये सब फिजिकल एग्जाम आपका लिया जाएगा कि आप कितने अपने आप को वेल मेंटेन करके रखे हो, कितना आप में स्टैमिना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। टायर टू आपका उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन CBT ऑनलाइन, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं स्टेनोग्राफर CND ग्रेड के लिए। क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, 10+2 क्लास 12 पास आउट हो तो आप लोग स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी कर सकते हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली, ठीक है। आप लोग का जैसे कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड हो तो उससे आप लोग अगर 10+2 मतलब 12 पास आउट हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ एंड यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ही और शी मस्ट बिलोंग टू अ एज ग्रुप, 18 से 30 साल तक का लिमिट है, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टू बी एलिजिबल टू फिल द SSC स्टेनोग्राफर एप्लीकेशन फॉर्म। डेफिनेटली मैं जो भी बता रहा हूं, एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली होगा SC ST कैटेगरी के लिए और OBC के लिए। अच्छा फॉर अच्छा क्या बोल रहा है इसमें, 18 से 30 साल होना चाहिए ग्रेड सी के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पोस्ट के लिए 18 से 30 साल का लिमिट है, और 18 से 27 साल का लिमिट है ग्रेड डी के लिए, स्टेनोग्राफर का ग्रेड डी जो आपका होता है उससे उसके लिए एज लिमिट है 18 से 27 साल, और 18 से 30 साल है ग्रेड सी के लिए। रिजर्वेशन डेफिनेटली होता है SC ST OBC एक सर्विसमैन ये सब के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट क्या बोला, ग्रेड सी के लिए 30 साल, ग्रेड डी के लिए 27 साल, ये आपको यहां पे बता दिया गया है। अच्छा अब सबसे पहला बात, कुछ बच्चे का ये डाउट रहता है स्टेनोग्राफर में क्या क्या ड्यूटीज रहेगा, मेरा जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या जॉब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, स्टेनोग्राफर्स का क्या ड्यूटी, क्या रोल प्ले करते हैं वो लोग सेंट्रल के टूवर्ड्स, ठीक है। क्या प्रोफाइल रहेगा, स्पीच राइटिंग, स्टेनोग्राफर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क विद असाइंड सीनियर ऑफिसर्स एंड नोट डाउन एनी स्पीच गिवन बाय द ऑफिसर, इन एडिशन देयर जॉब इज टू डू दिस वर्क एफिशिएंटली एज सच स्पीच डिटेल्स कैन बी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स। मतलब स्पीच राइटिंग, नोट डाउन करो स्पीच जो भी बड़ा बड़ा अधिकारी या ऑफिसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंटली अपने इस जॉब को करना पड़ेगा स्पीच राइटिंग का, क्योंकि स्पीच का जो डिटेल्स होता है वो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, और जो कि जाहिर सा बात है इंपॉर्टेंट होता भी है गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स के लिए। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग, स्टेनोग्राफर ऑल्सो अटेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद असाइंड ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स, बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस दे कैन नोट डाउन ऑल द डिटेल्स एंड स्पीच ऑफ द कॉन्फ्रेंस। दिस अलाउज द गवर्नमेंट कंसेक्यूटिवली टू यूज स्टेनोग्राफर्स फॉर हेल्प इन मेकिंग प्रेस रिलीज ऑफ द सेम, ठीक है। अब उसके बाद मिनिस्टर ऑफिसर असिस्टिंग, अनदर वर्क ऑफ स्टेनोग्राफर क्या होता है, टू असिस्ट द असाइंड ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स इन प्रिपेयरिंग अ स्पीच, स्पीच प्रिपरेशन के लिए असिस्ट करे, हेल्प करे ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को। सिंस दे आर इन्वॉल्व्ड इन वेरियस गवर्नमेंटल प्रोसीडिंग्स दे नो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यूजफुल फॉर ऑफिसर या मिनिस्टर। और चौथा काम होता है पब्लिक रिलेशन हेल्पिंग, इन एडिशन स्टेनोग्राफर्स मेक नोट्स डेली, दीज नोट्स आर अबाउट वेरियस गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स एंड देयर स्टैंड्स ऑन द इश्यू, क्या वो लोग सोच रहे हैं इश्यूज के ऊपर, उनका क्या स्टैंड है, क्या वो डिसीजन ले रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए, नीड्स टू रीच पब्लिक, एंड सो स्टेनोग्राफर्स हेल्प पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स बाय नोइंग दिस डिटेल्स,
ठीक है। स्टेनोग्राफर का जॉब प्रोफाइल, ऑफिसेस वेयर पोस्टिंग्स आर ऑफर्ड, ग्रेड सी, ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन फॉरेन सर्विस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स। ग्रेड डी ग्रुप एक्स वाले के लिए क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स में उनको मौका मिलेगा, आईएफएस में मौका मिलेगा, इंडियन फॉरेन सर्विस, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर ऑफ आर्म फोर्सेस, रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स। और ग्रुप डी ग्रुप वाई वाले के लिए क्या होगा, ग्रेड डी ग्रुप वाई वाले के लिए सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट ऑफिसेस, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहां यहां पे पोस्टिंग होता है, ठीक है। सो अच्छा एक जॉब प्रोफाइल है स्टेनोग्राफर, अगर कोई सोच रहे हैं तो जरूर कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए आपको अलग से कुछ ज्वाइन भी करना पड़ता है, जहां पे आप स्टेनो का कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। अच्छा एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन क्या होता है एमटीएस के लिए, 18 से 25 साल का अगर आपका उम्र है, 18 साल से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 25 साल से ज्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 18 से 25 साल के बीच में अगर आपका उम्र है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए। क्या करना है, 10th पास आउट हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स जो एलिजिबल नहीं है वो लोग इश्यू नहीं किया जाएगा उनको एमटीएस का एडमिट कार्ड। अब जॉब प्रोफाइल आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्या है एमटीएस का जॉब प्रोफाइल। एसएससी जीडी में आते हैं जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, क्या होता है जीडी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी जनरल ड्यूटी, पॉपुलरली नोन एज एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन, ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है जो एसएससी कंडक्ट कराता है रिक्रूट करने के लिए कैंडिडेट्स को फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड राइफलमैन इन द फॉलोइंग फोर्सेस। क्या क्या चीज के लिए, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और राइफलमैन के लिए इन द फॉलोइंग फोर्सेस, कौन कौन सा फोर्सेस के लिए, बीएसएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सहस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, ठीक है। कंस्टेबल्स का यहां यहां रिक्रूटमेंट होता है बीएसएफ ये सब में, सीआरपीएफ एसएसबी एसएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी एनआईए, बहुत अच्छा एग्जाम है एसएससी जीडी का, बहुत बहुत तगड़ा एग्जाम है, सो एक बहुत अच्छा एग्जाम है। फोर्सेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ राइफलमैन आसाम राइफल्स, राइफलमैन का कहां पोस्टिंग होता है, आसाम राइफल्स। चलिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, एज लिमिट क्या होगा 18 से 23 साल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास आउट हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर देयर क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 10 आर नॉट एलिजिबल, मतलब पास आउट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग अपियर कर रहे हो या रिजल्ट आप लोग का पास आउट नहीं हुआ है अप्लाई नहीं कर सकते, 18 से 23 साल का इसका एज लिमिट होता है, बहुत अच्छा एग्जाम है। जो भी सोच रहे हो 10th पास आउट करने के बाद कि मेरे को बीएसएफ में कंस्टेबल का तौर पे मेरे को जाना है, बहुत अच्छा एग्जाम है बीएसएफ, ये सब में पोस्टिंग आपका हो जाएगा एसएसएफ में, तो गवर्नमेंट जॉब भी है बहुत अच्छा भी है, ठीक है। कैसे पास करोगे, क्या इसका मतलब क्राइटेरिया होता है, किस टाइप से एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, 10th पास आउट करने के बाद आप पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पहले आपका होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डेफिनेट सा बात है। अगर आप जाओगे बीएसएफ ये सब में तो आपका पहले स्टैमिना ये सब चेक होगा, तो फिजिकल टेस्ट आपका होगा पीईटी जिसको बोलते हैं, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो क्या क्या है ये देख रहे हो आप लोग, एप्लीकेशन फॉर्म, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे एसएससी जीडी का, ऑनलाइन भरोगे एसएससी के वेबसाइट में जाके, फीस होता है 100 रुपया, वुमेन लोग जो है या शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एक्स सर्विसमैन ये लोग का फीस नहीं लगता है, 100 रुपया भी नहीं लगता है, बाकी का 100 रुपया फीस है,
एडमिट कार्ड आएगा 2-3 हफ्ता पहले एग्जाम के, और एडमिट कार्ड ऑनलाइन आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। डाउनलोड करिएगा एडमिट कार्ड ऑफिशियल रीजनल वेबसाइट से, ठीक है, अपने जो भी लॉगिन डिटेल्स को भर के। एडमिट कार्ड फॉर पीईटी पीएसटी एंड डीएमई आरएमई आर अपलोडेड बाय द सीआरपीएफ, सीआरपीएफ अपलोड कर देते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड, वो लोग को एग्जाम देना पड़ता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। टेस्ट में क्या क्या होता है, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स का, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका रीजनिंग होता है, एक जीके एंड जनरल अवेयरनेस, एक आपका मैथ्स होता है और एक इंग्लिश हिंदी होता है। डिफिकल्टी आर ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल, क्लास 10 लेवल का एग्जाम आपका होता है। फिर उसके बाद पीईटी पीएसटी होता है, जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, उसके बाद आप लोग का नाम जो है शॉर्टलिस्ट होगा फिजिकल टेस्ट के लिए, जैसे पीईटी पीएसटी के लिए। टेस्ट आर कंडक्टेड एज एट वेरियस सेंटर्स फाइनलाइज्ड बाय रिक्रूटिंग बॉडी सच एज सीआरपीएफ सीएपीएफ, जहां पे आप लोग का सेंटर फेंकेगा वहां पे आप लोग का टेस्ट देना पड़ेगा पीईटी पीएसटी का। उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा आप लोग का, जो पीईटी पीएसटी भी क्वालिफाई कर जाएंगे उन लोग का मेडिकल एग्जाम होगा, डीएमई और आरएमई इफ एप्लीकेबल आप लोग को अपियर करना पड़ेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जाम में क्या होता होगा, जनरली आपका टेस्ट करता होगा कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं है, सीएपीएफ भी कंडक्ट कराता है, सीएपीएफ ही कंडक्ट कराता है। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट फाइनली अनाउंस हो जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो इस तरीके से आप लोग का हो जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का है सारा एग्जाम, ठीक है, सारा एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है। सो इस तरीके से ये आप लोग का पूरा डिटेल था जितने भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है। होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग को अगर अच्छा लगा, इसी टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालते रहूंगा, ठीक है, कैसे क्या एग्जाम होता है, क्या क्या पैटर्न होता है, एक एक करके मैं सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस पूरा प्रॉपर एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, किस किस टाइप का एग्जाम होता है, क्या सिलेबस होता है प्रॉपर अच्छे से। तो इसी तरीके के जो भी नोटिस होते हैं, आप लोग जुड़े रहिए मेरे प्लेटफॉर्म से, जो आप लोग का यूट्यूब चैनल है रीजनिंग विद केशव कल्याणी, इससे जुड़ जाइए। नीचे में लाल वाला बटन होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करो। इसके साथ साथ एक और जरूरी मैं आप लोग को सूचना देना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन, मेरा इस यूट्यूब चैनल में रीजनिंग विद केशव कल्याणी में मैं कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स टेकअप कर रहा हूं। जो भी एस्पायरेंट से प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो सीएचएसएल हो सीपीओ हो एमटीएस हो या कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट रीजनिंग मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में लेके आया हूं। अभी तक आपके सामने 6 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आप लोग उनको गो थ्रू कर सकते हो, कैलेंडर क्लॉक डाइस सीटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन डिस्टेंस शैडो और फाइनली कोडिंग डिकोडिंग, ये 6 चैप्टर आप लोग का हो चुका है। आप लोग उनके वीडियोस को लेक्चर्स को एक एक करके देख सकते हो, कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने यहां पे करवाया है। साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को क्वेश्चन शीट्स प्रैक्टिस करने के लिए भी प्रोवाइड करा रहा हूं। कंप्लीटली मैं यहां पे आप लोग को पूरा डिटेल्ड लेवल में पढ़ाऊंगा, मैं ऑलरेडी अनअकैडमी में पढ़ा चुका हूं। सो आप लोग को यहां पे डिटेल्ड लेवल में कंप्लीट रीजनिंग, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और टेकअप करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन को, आप लोग मेरे लेक्चर्स को अटेंड करिएगा। अच्छा लगे जरूर लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक भी करिएगा, और साथ ही साथ जो भी क्लास आप लोग अटेंड करो उसमें भी आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा मैक्स टू मैक्स। होप आप लोग का सपोर्ट मेरे को मिलेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग देयर, इट वाज वंडरफुल टेकिंग अ सेशन विथ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल एंड जय हिंद।